मेरा नाम सुमित जानी है और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल लाडवा है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी तो विरला बोला कि चल यार दीव घूम आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था तो मैंने फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था तो फौरन वहाँ जाकर फ्रेश हो गए। रात की सफ़र की थकान उतार कर एक आध घंटे में हम समंदर की ओर लटार मारने निकल पड़े। छुट्टियों का सीज़न था तो समंदर पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और विरल तो यह नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही है गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। विरल बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी धड़कन महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जा लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया पर हंस कर वहाँ से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहाँ से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहाँ पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात विरल को बोलूं इससे पहले विरल मुझे खींच कर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और विरल मुझे बोला कि आज तो यह लड़की पटा कर ही दम लूँगा, तू खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। ज़मीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तब डायन और चुड़ैल भी उससे अप्सरा ही नज़र आती है। विरल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वह हमें बुला रही है। अब विरल ने तो उसे अपनी रानी बना लेने का फैसला कर ही लिया था तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। तो विरल मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहा मेरी बात सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हुए पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को उसने कुछ कर ना दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार चिल्लाया विरल विरल विरल। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें घूम लाल थी। वह जोरों से हांफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी और गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा है। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे और फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहां 2-3 लोग
जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया, वहां देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया तो वह बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नज़र विरल के पैंट पर गई, उसकी जांघ पर खून के धब्बे थे, शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर आने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने विरल से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो काट नहीं लिया ना? तेरी लफड़ेबाजी के चक्कर में मैं देवर तो बन गया, अब चाचा बन सकूँगा ना? या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फ़ौज में भर्ती कराने मुझे ही साथ आना पड़ेगा? विरल को हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। वह गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल ने और मैंने फिर कभी बात नहीं की। शायद यही सही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। ऐसी ही रोचक, डरावनी और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन दबाकर।